डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास किस पोजीशन पर होता है, मिलता है, हम वो जानने जा रहे हैं। तो चलिए एक हेमिस्फीयर लेते हैं, हॉलो हेमिस्फीयर। मान लीजिए कि इसका रेडियस कैपिटल आ रहे हैं, तो इस हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास इस वर्टिकल लाइन पर मिलेगा, विच पासेस थ्रू द सेंटर, क्योंकि ये आपकी सिमेट्री लाइन है और एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसकी सिमेट्री लाइन पर ही होता है। तो इसी सिमेट्री लाइन पर हमें सेंटर ऑफ मास मिलने वाला है। कितनी हाइट पर, यही हमको मालूम करना है। तो उसके लिए हम एक छोटा सा पतला सा एलिमेंट ले लेते हैं, तो हमने एक एलिमेंट इस हेमिस्फीयर के सरफेस पे ले लिया, तो एक पतला सा रिंग बनेगा, एक पतला सा रिंग होगा। ये इस रिंग का हमें एरिया कैलकुलेट करना होगा और उसके लिए हमें इस रिंग का रेडियस मालूम करना होगा, स्मॉल आर। तो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास तो इसी के सेंटर पे होगा और इस सेंटर ऑफ मास, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास की हाइट मान लेते हैं, इस सेंटर ओ से वाई हाइट पर है ये, तो हमें इस y और हमें इस r दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसकी जो एंगुलर पोजीशन है, ये एंगुलर पोजीशन कि बेस से कितने एंगल पर है, ये मान लेते हैं थीटा एंगल पर है, और इसकी एंगुलर विड्थ, ये एंगुलर विड्थ ये मान लेते हैं डी थीटा है, जबकि इसकी जो विड्थ है वो मान लेते हैं डी वाई के बराबर है। कितनी मोटी है, तो डी वाई मोटी के मोटाई का है ये। अब ये एंगल यदि थीटा हुआ तो इधर का एंगल ये भी तो हमको थीटा ही मिलेगा, सेम एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमको मिल रहा है आर, स्मॉल आर रेडियस ऑफ द रिंग एंड कैपिटल आर रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। इन दोनों का तो रेशियो जो होगा वो कॉस थीटा हो गया, ये बेस हो गया ना, थीटा के साथ लगा हुआ साइड जो है वो बेस या हाइपोटेनस। तो आर अपॉन आर, ये भी तो आखिर आपका रेडियस ही है, तो आर अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड देयरफॉर आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। एक तो मिल गया आर अपॉन रेडियस डी वाई अपॉन आर इज इक्वल टू द एंगल, एंगल है डी थीटा, हमने डी थीटा माना हुआ है, आर का अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल। तो डी वाई कितना हुआ, इट इज आर डी थीटा, और वाई हाइट कितना है, तो वाई अपॉन आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इट इज साइन थीटा। तो यहाँ से हम वाई की वैल्यू रख सकते हैं, आर साइन थीटा। ये सारी बातें हमने पहले से कैलकुलेट करके रख ली। अब चलिए मानते हैं, लेट मास ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू कैपिटल एम एंड रेडियस इक्वल टू कैपिटल आर एंड देयरफॉर मास ऑफ पर यूनिट एरिया, कि यूनिट एरिया का मास कितना होगा, क्योंकि मास यहाँ पर केवल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, अंदर से खोखला है, तो केवल सरफेस पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिट एरिया पे कितना मास होगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू द मास अपॉन एरिया। तो मास मिला एम, एरिया हो गया 2πr², पूरे स्फीयर का एरिया
फोर पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये तो भाई यूनिट एरिया का है, सॉरी आधा स्फीयर है, पूरा स्फीयर का एरिया फोर पाई आर स्क्वायर, तो आधे स्फीयर का एरिया टू पाई आर स्क्वायर मिलेगा, तो दिस इज़ द मास ऑफ द पर यूनिट एरिया। चलिए अब इस रिंग का एरिया निकालते हैं, यानी कि एलिमेंट का, तो एरिया ऑफ द एलिमेंट डी ए इज इक्वल टू लेंथ, इसकी पूरी लेंथ हो गई टू पाई आर, इंटू विड्थ हमने मान लिया है डी वाई, तो इतना एरिया बना। अब इस आल आर की वैल्यू डी वाई की वैल्यू ये दोनों यहाँ रख लें, तो टू पाई स्मॉल आर हो गया आर कॉस थीटा एंड डी वाई हो गया आर डी थीटा, तो इट इज टू पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, तो इतने एरिया का ये एलिमेंट बना। यूनिट एरिया का मास सिग्मा है, तो इतने एरिया का मास कितना होगा, दैट विल बी द मास ऑफ द एलिमेंट, एंड देयरफॉर मास ऑफ द एलिमेंट का मास, जिसको हम कहते हैं डी एम इज इक्वल टू द सिग्मा यूनिट एरिया का मास इंटू द एरिया डी ए, तो सिग्मा की वैल्यू रख लीजिए ये, और डी ए की वैल्यू रख लेते हैं इतना, तो हमको इसका मास निकल आया 2πr² cos थीटा d थीटा ठीक, तो 2πr² तो पूरा कैंसिल हो रहा है, एंड देन यू है एम कॉस थीटा डी थीटा, ये हमको मिल गया इसका मास, इसका मास मिला। तो चलिए हमारे इस पूरे हेमिस्फीयर के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहाँ होगी, एंड देयरफॉर पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द हेमिस्फीयर ये वाई सी हम ले लेते हैं, तो इज गिवन बाय वाई डी एम का इंटीग्रेशन अपॉन डी एम का इंटीग्रेशन तो वाई आप यहाँ से निकालें तो मिल गया हमको आर साइन थीटा, डी एम ऊपर हमने कैलकुलेट कर रखा है एम कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, तो हम थीटा सेलेक्ट कर सकते हैं जीरो से लेकर के पाई बाई टू तक, इस पूरे तक, तो इट्स लिमिट इज फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू, और डी एम को जब आप इंटीग्रेट करोगे इसका मास ऐसे पूरे एलिमेंट का मास, तो आपको पूरे हेमिस्फीयर का मास मिल जाएगा एंड इट इज एम, तो एम तो एक कॉन्स्टेंट है तो ऊपर नीचे से कैंसिल, हमने इसको कैंसिल कर दिया, आर एक कॉन्स्टेंट है बाहर कर दो, तो वाई सी एम पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास हमें मिल रहा है कैपिटल आर इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब यदि मैं इसमें टू से मल्टीप्लाई कर लूँ, टू से डिवाइड कर लूँ, तो हमें मिल गया आर बाई टू, ये डिवाइड कर दिया और ये हो गया टू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब टू साइन थीटा कॉस थीटा तो वही होता है साइन टू थीटा, तो आर बाई टू जीरो से पाई बाई टू
साइन टू थीटा डी थीटा, एक सिंपल से इंटीग्रेशन आ गया। इसको इंटीग्रेट करो, लिमिट अप्लाई करो, तो आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मिल जाएगी। देन इट इज आर बाई टू अब साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू, लिमिट जीरो टू पाई बाई टू, इतना मिला। इस माइनस को चलो रहने दो वहीं पर, टू को मैं बाहर कर लेता हूँ, ऊपर वाली लिमिट रखते हैं, तो माइनस कॉस टू इंटू पाई बाई टू, टू इंटू पाई बाई टू थीटा की जगह माइनस माइनस कॉस जीरो, नीचे वाली लिमिट रखा थीटा की जगह पे जीरो, तो पूरा जीरो हो गया। तो ये तो हो गया कॉस पाई। अब कॉस पाई कितना होता है, तो कॉस पाई की वैल्यू होती है माइनस वन, आगे एक माइनस साइन और है, तो कितना हो गया प्लस वन, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, और कॉस जीरो की वैल्यू होता है वन। तो वन प्लस वन टू, टू से फोर कैंसिल किया तो आ गया हमको आर बाई टू। तो एक हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास बेस से आर बाई टू हाइट पर मिलता है, ठीक है। तो पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास फॉर ए हेमिस्फीयर हॉलो हेमिस्फीयर इज आर बाई टू फ्रॉम द बेस, हाइट कह रहा हूँ, यानी इस वर्टिकल रेडियस के ऊपर होगा और आर बाई टू पर होगा, यानी ठीक बीच में होगा। ये पूरा रेडियस आर के ठीक सेंटर पर हमको मिलेगा इसका सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों ये है एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास का सेंटर ऑफ मास मालूम करने का तरीका। क्या करना है आपको, एक एलिमेंट कंसीडर करना है, उस एलिमेंट का मास मालूम करना है, उस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मालूम करना है। जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी दैट इज द वाई, और उसका जो मास होगा दैट इज डीएम, और वाई और डीएम अगर निकल आए तो फिर इंटीग्रेशन करना है, वाई डीएम अपॉन डीएम का इंटीग्रेट करना है, और आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मिल जाएगी। तो चलिए ऐसे ही हम एक सॉलिड हेमिस्फीयर का भी सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, क्या वो भी आर बाई टू पर ही मिलता है या कहीं और मिलेगा, ये हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद।